फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और अभी तो सुबह के बजे हैं 6, बाहर देखो अंधेरा ही अंधेरा है। हम जा रहे हैं शनिदेव के मंदिर, झाड़ू पोछा लगा लिया है, हाथ धो के फिट हो गए हैं बिल्कुल रेडी वेडी, बाल बाल बना के। और पतिदेव हमारे जो है सो रहे हैं क्योंकि उनको छुट्टी आज सेकंड सैटरडे की, तो मैंने भी नहीं उठाया, क्या करना था उठा करके ना, इसलिए भारी बीमारी हुई है। रेडी ऐसे तो चलते हैं हम, क्या मिलेंगे मंदिर में अगर कोई नहीं होता। इतने अंधेरे में भी ये पहले ही दरवाजे पे आ गया। कहाँ, क्या सुबह सुबह रोटी नहीं? आओ मंदिर चलते, आओ आ जा आ जा आ जा। पीछे 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 चल रहे मेरे, आओ आओ। दो पार है दोनों, मंदिर के द्वार बंद है और शायद किसी ने रास्ते में देखा हमें पानी कहाँ से चला जाए, वहाँ तक पानी पानी कर रखा है, घूम के आना पड़ेगा इतना लंबा। घर की साइड से आना पड़ा, दूसरी साइड से। दरवाजा है बंद, इसी ने दीपक जला दिया सुबह ही, आई थिंक उससे पहले भी आ गया। जय शनिदेव। सुबह सुबह का टाइम था ना ये, सुबह सुबह बिल्कुल सुबह सुबह, तो शनिवार में तो मंदिर में ही जलता है ना, तो मैं ही पहुंची थी तो मंदिर में लाइट है नहीं, तो कुछ भी नजर आ नहीं रहा था, अंधेरा ही था बस। जहाँ दीपक जल रहे थे तो थोड़ा वो रोशनी दिख जा रही थी, पर नया मंदिर में पूरे में अंधेरा ही अंधेरा था। मंदिर ही क्या है ये, बस एक पीपल देवता है और कुछ नहीं है यहाँ पे, जो थोड़ा बहुत किसी ने रख दी एक दो मूर्तियां वही है और कुछ नहीं है। शनिवार को हम भी आ जाते हैं इसी बहाने यहाँ। मंदिर होता तो शायद और भी दिन आ जाया करते सोमवार वगैरह में, पर नहीं है यहाँ पे। और कुत्ते मेरे साथ इतने सारे आए हैं कि मैंने दरवाजा बंद किया उधर से मंदिर का, तब वो बाहर है, वरना वो अंदर में ही मंडराते रहते हैं मंडराते रहते हैं। वैसे यहाँ पे कोई वो नहीं है दिक्कत, लोग बाग ना दिन में 8-8 बजे तक भी आते रहते हैं, मैं भी जब जल्दी उठ जाती हूँ तो जल्दी आ जाती हूँ, नहीं उठ पाती तो नहीं आ पाती हूँ। ये दूसरी साइड को बस एक शिवलिंग रखे हैं और एक गणपति जी की मूर्ति है बस, प्रतिमा और कुछ नहीं है।
अब हम निकलते हैं यहाँ से। थोड़ा उजाला हुआ, अब तो अंधेरा अंधेरा था। देखो सारे में, हाँ कहने को तहसील है, इतना गंदा कर रखा है ना कि मंदिर पर निकलने को रास्ता भी नहीं मिलता है। सारे में पानी पानी, घूम फिर के आना पड़ता है। कहाँ तक पानी है देखो, है कोई दुख इधर से, इधर से जाती हूँ मैं इधर से, और ये रास्ता बंद कर रखा है इन्होंने। बंद क्या कर रखा है, ये गंदा इतना हो रहा है, सफाई नहीं होती यहाँ, तो क्या करें। बंद तो हो गई, ये सब सरकारी आवास है। और वो देखो सामने सैनिक कल्याण, सैनिक विश्राम गृह है। यहाँ से मैं पानी भर लेती हूँ पहले। क्योंकि घर खाली लोटा लेकर नहीं जाना चाहिए, ऐसा सुना है मैंने। देखो खेल मत, चल घर को चल। रे आजा 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 आजा, चल दूंगी तुझे। आ बैठा है इंतजार में है मेरे, है लिखा एक में कितने सारे आ गए दो दो के की तरह। पर चाय अभी पीनी भी है इनकी वजह से, मैंने कचरी ये सब मसाला तैयार कर रखा था पीस के, अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया। क्या करूँ, एक्सरसाइज ही ना होती इनकी तो कई घंटे। पर मैं तो अब चौक के खा लेती हूँ। हाँ साजारी आ गई संडे में भी। जुड़ गई लट्टू, क्या हो
क्या चीज है इधर वाली को? आज जैसे कि सब छुट्टी थी ना, तो मैं जो सामान मेरे किचन में नहीं था तो वही मैं अंदर जो रख मतलब मैं एक्स्ट्रा रखा रहता है तो वही निकाल रही थी मैं, और चेक कर रही थी कोई सर्दी में कोई चीज़ मतलब सुखाने की तो नहीं है वही सब, क्योंकि और दिन तो सुबह सुबह सब काम हो जाता है तो निबट जाती हूँ। आज अभी इन्होंने खाना खाया ही नहीं है अभी तक हमने, तो मैंने कहा अभी नहाएंगे, इनको तो टाइम लगेगा, रोड ख़राब हो गई है एक तो, आज हमारी बड़ा दिक्कत हो रहा है ना, तो रोड की वजह से नहाए नहीं है, ठीक हो जाएगी तब नहाएंगे गर्म करके पानी। तब तक मैंने कहा मैं अपना काम ही कर लेती हूँ, खाना वाना बना चुकी हूँ मैं सब। ये चावल मेरे खिचड़ी के लिए आए थे घर से, स्पेशल खिचड़ी के लिए ही आए हैं ये, तो मैं ये एक थोड़ा डिब्बा भी खाली कर रही थी चावल के लिए, चावल मेरे जब से आए हैं ऐसे ही रखे थे तो। और प्लीज़ यार हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर देना। सब्सक्राइबर तो फिर भी थोड़ा गेन हो पा रहे हैं हमारे, लेकिन ना बहुत टाइम नहीं हो पा रहा है यार, इसलिए अगर वीडियो पूरी वॉच देखनी हो तो तभी खोला करो, वरना मत देखा करो वीडियो, स्टार्ट मत किया करो आप। कुछ लोग कहते हैं तो इतनी जल्दी जल्दी करती है, भाई इतनी जल्दी जल्दी ना है ये काम, ये थोड़ा ये बहुत टाइम में हुआ था, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा स्पीड कम से कम भी नहीं तो 3 गुना की है, 3 गुना स्पीड है या, तो इस क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई थी तो कैसे होता, इसलिए करना पड़ता है। चाय पत्ती भी नहीं थी किचन में तो मैंने सोचा चाय पत्ती भी निकाल ही लेती हूँ लगे हाथ।
जब बाजार से कोई सब्जी या कोई भी चीज आती है ना, तो इतनी सारी पन्नियां हो जाती हैं, तो मैं ना सब इकट्ठा करके रख लेती हूँ। अभी पीछे मेरे पास खत्म हो गई थी, यूज हो रही थी, तो अभी यूज नहीं हो रही है कहीं भी, तो इकट्ठे हो जा रही हैं, ज्यादा बहुत सारी इकट्ठी हो गई है मेरे पास ही है। और ये बड़े बड़े थैले हैं, मैंने थैले और अलग करे और पन्नी अलग कर दी। तो सब सामान जब निकाला था तो कचरा हो गया, अब मैं झाड़ू लगा लूं। उसके बाद अब नहाएंगे तो मैं खाना खा लूं, खाना खाएंगे फिर हम, तो मुझे तो भूख लग जाती है भाई। अभी सुबह हमने क्या खाया था, जब वो खाई थी कचरी सिंगाड़े की। कुछ और, क्योंकि एक सर अभी ये मोस्टली ना सिंगाड़े कचरी सिंगाड़े कचरी सिंगाड़े कचरी खा रहे हैं हम। तीसरे दिन चौथे दिन बननी है, क्योंकि सीजन चल रहा है तो बन जा रही है, वरना नहीं बनती है। अभी ना भरी, अब भर जाएगी, आ जाओ। पहले ही लगानी है तुमने, ऐसे ऐसा उठाई बाल्टी, मैं ऐसे ही लगाती हूँ क्योंकि ये ना ढीला हो गया। अब ये ऐसे करके अटका के, तो ऐसे अटकाती हूँ मैं तो पहले से ही, क्योंकि मुझसे वैसे तो लगती नहीं। और फिर ऐसे लगाना है, फिर ऐसे ऑन कर देना है। देखो देखो जरा नीचे लाइट ऑन कर दूंगा। बुलबुले तो आ रहे हैं, आ रहे ना? और आएंगे ना। बोल के यार, हम तो हम हैं, कोई खराब तो नहीं हुई थी, ताजा तो जल रहा था, जल गया था ना वो जल, वो तो खाली वो हो गया था, टूट गया था वो, इसलिए अब तो हम पता चल गया। अब मैंने सोचा आज की, या इसमें ना तुरई लग रही थी दो तीन, तो इतने दिन से मैंने इसको इसलिए तोड़ा नहीं था, मैंने कहा तुरई तोड़ लूँ, सूखेगी सूख जाएगी। लेकिन तोरी तोड़ी ना तो मैंने बीच में से जब उनको तोड़ के ही देखा, तुरई को भी काट के, तो इतनी खराब निकली, कीड़े कीड़े, तो मैंने कहा अब इसमें कुछ नहीं आएगा, आज इसको इसका भी तिया पाचा कर देते हैं। इसलिए मैंने इसको उखेड़ के सारी बेल वेल सब हटा दी, क्योंकि इसकी वजह से धूप भी नहीं आ रही थी और गंदा ही हो रहा था यहाँ पे, पत्ते झड़ जाते थे, सूखते थे, झड़ जाते थे, और कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने कहा इसको आज साफ कर ही देती हूँ, बिल्कुल साफ ही कर दिया मैंने इसको आज खत्म। अब सेम लगाइए ना, वो चलेगी ऊपर को। तो जब मैंने झाड़ा तो कुछ पत्ते नीचे भी नाली में भी गिर गए हैं, तो मैं उनको सबको निकाल के साफ करके, मैंने कहा कल सूख जाएगी, एक दो दिन धूप में, धूप आती नहीं है यार हमारे यहाँ पे, अभी भी सब में धूप है, दीवारों में ही धूप है बस, बाकी कहीं धूप ही नहीं है। तो मैंने कहा सूख जाएंगे तो इनको जला दूंगी, तो धूप ही नहीं आ रही है। सरसों मेरी पक गई है, देखो सरसों के दो चार पेड़ है, वो भी पक गए। अब हम किसी दिन साग वाग बनाएंगे। मस्त डोसा तो मैं खा रही हूं, क्या पता है डोसा। और दीदी अब खाने गए हैं पानी पूरी। हम खा लेते हैं और आप हमारा पूरा ब्लॉग देखिएगा, जैसा भी लगा हो अच्छा बुरा, उसको फुल सपोर्ट, पूरा प्यार दीजिएगा।
जय हिंद, जय भारत, राम राम।